मेरे कैरेक्टर का नाम है शामीर, विच इन रियल लाइफ मेरे बेटे का नाम भी है. सो आई एम लविंग इट. और एक फ्यूडल फैमिली है जहाँ से शामीर बिलोंग करता है, एंड लेकिन उसको सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं है, तो शायद इसी वजह से वो बाहर पढ़ने चला जाता है, विच इज़ इन चाइना, और वहाँ पे अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा है. एंड कोई घर में इमरजेंसी होती है, सो ही इज़ बीन कॉल्ड फॉर. जैसे ही वो इधर आता है पाकिस्तान, उसको पता लगता है कि बेसिकली ये इमरजेंसी नहीं थी, इसको किसी मकसद से बुलाया गया था. तो वो मकसद क्या है, जब आप लोग ड्रामा देखेंगे तो पता लगेगा. मेरा कैरेक्टर है हीर का, एंड आई एक्चुअली रियली लाइक मेरे कैरेक्टर का नाम हीर. मुझे कभी भी इस तरीके का नाम नहीं मिला, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने कहा अच्छा, पहले इस कैरेक्टर का नाम था मारवी, फिर हुआ हीर, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हीर है. हीर इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल. उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपने अब्बू के साथ. माँ के साथ थोड़ा 50-50 चलता है, क्योंकि बाप के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो शी इज़ मोर फोकस्ड विद द रिलेशनशिप शी इज़ हैविंग विद हर फादर. तो एक वो रिलेशनशिप है. डिफरेंट रोल्स ये लड़की प्ले करती है. दोस्त के साथ है, दोस्त के साथ बहुत वो एक अलग तरीका है, और फिर जब इसे मोहब्बत होती है फिर वो एक अलग रोल है जो आप लोग देखेंगे और इनिशियल एपिसोड्स में ही देखेंगे. सो द पेस इज़ वेरी फास्ट, एंड व्हेन शी फॉल्स इन लव विद अ गाय नेम जमाल, जो कि बिलाल अब्बास खान कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, फिर जो चेंजेस इसकी लाइफ में आती हैं, फिर जो इसका बाप का और इसका क्लैश होता है, फिर इसकी ज़िंदगी में इसको रियलिटी फेस करनी पड़ती है कि ओके नाउ दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स आई एम गोना हैव इन दिस. तो एक वो बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है. मेरे कैरेक्टर का नाम जमाल है, और जमाल एक ऐसा एक इंसान है जो कि बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है, एक छोटे से विलेज से उसका ताल्लुक़ है, और जब वो शहर में आता है वो एक बड़े ड्रीम्स के साथ और कुछ अपने उन पर कुछ करना चाहता है. सो यू नो देन हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़ कि वो किस तरह प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता है और किस तरह हर्डल्स आते हैं उसके बीच में, एंड दैट इज़ माई ट्रैक ऑफ द स्टोरी. मैंने हीर की जिंदगी बर्बाद की है. कत्ल का बदला और ऐसे रिश्ते वो लोग कभी नहीं भूलते, और हमारी सदियों की जबान का नतीजा निकलने का दिन है ये.